जो हमारा टूर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये है जी ब्रॉड वैली का। हम इस्लामाबाद से निकले थे तकरीबन रात को 12 बजे। हम वैसे तो तलागंज से आ रहे हैं, तलागंज चकवाल से, तो वहाँ से हम तकरीबन निकले हैं 10:30 बजे और इस्लामाबाद इंटरचेंज पे तकरीबन हम 12 बजे पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर जब हम चढ़े हैं जी सवात मोटरवे पे फिर हम आए हैं चकदरे तक, और चकदरे से फिर हम गए हैं जी तैमरगरा के बाद कौन सा है जगह अपरदीर। तैमरगरा के बाद आया अपरदीर, और अपरदीर के बाद फिर थल आया। तो अभी हमने थल से एक जीप जो है वो हमने डील डन किया है भाई साहब से। अभी हम जा रहे हैं जहाज बांडा की तरफ। तो ये हैं जी हमारे ड्राइवर, क्या नाम है आपका? बख्तर रवान। और टाइम की अगर बात करें जी तो तकरीबन 12 बजे हम इस्लामाबाद इंटरचेंज से निकले हैं, तो थल तक पहुंचने में हमें 6-7 घंटे लगे हैं। तो 6-7 घंटों में हम जो है जी पहुंचे हैं थल तक। पांच बंदे हम निकले थे जी अपनी गाड़ी पे, और ये अमार साहब है हमारे साथ। अमार साहब एक हाथ हिला रहे हैं, पीछे वकार भाई हैं, लाहौर से आई हुई हैं। वकार साहब लाहौर से नहीं, मीरपुर से आए हैं। हमारे लेजेंड भाई हैं भाई एहसान साहब। एहसान भाई हमारे ड्राइवर हैं जी, और ये हमारे सालाना टूर में हमारे साथ होते हैं, पक्के थोड़ा एंजॉय कराते हैं माशाल्लाह। और अभी बस हम रास्ते में हैं, थोड़ा सा आपको रास्ते का भी व्यू दिखाएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत प्यारा रास्ता है। तो साल में 2-3 गाड़ी 4 गाड़ी थे गिरते हैं। अच्छा, गाड़ी गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बता रहे थे पहले। हमसे भी परसों साल एक साल पहले वो गाड़ी गिर गया था। अच्छा, स्ट्रिंग लॉक हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने आगे ब्रेक का सोच नहीं किया, फिर वो स्ट्रिंग से चेड़ किया, बस रोड तंग था। अच्छा। हमसे गाड़ी निकल गया, बारो बार गिर गया, 1 किलोमीटर नीचे गिरा हुआ। तो आप खुद बच गए फिर? अल्लाह ने बचा लिया बस। अपने विलाग को यहाँ से फिर शुरू करेंगे दोबारा। खान भाई से भी हमारी गपशप चल रही थी, और थल से अब हम निकले हुए हैं जहाज बांडा की तरफ। खान भाई हमें थोड़ा ज़रा रास्ते के बारे में गाइड कर दें, अभी कितना टाइम और लगेगा और रास्ते में। हम थल से थोड़ा 6 किलोमीटर नीचे पार्किंग से निकल गया। ठीक है, जहाज बांडा का तरफ। ठीक है, अभी हमारा टोटल 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट यहाँ लगभग लगते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अभी टकी टॉप पर रोड है, टकी टॉप तक गाड़ी में जाएगा। आगे पैदल सफ़र है 1 घंटा 30 मिनट का जहाज बांडे तक। इंशाल्लाह तुम बांडा जहाज बांडा अबशार वहाँ जहाज बांडे में है, और आज रात करो वहाँ सुबह इंशाल्लाह निकलेगा कटोरा लेक। ठीक है, और ये 12 बजे का बाद हमारा इंशाल्लाह वापसी है, 1 बजे तक वापस आ सकते। ठीक है। परसों दिन वहाँ आ जाएगा, फिर वापस थल। थल से इंशाल्लाह जाऊँगा कुमराट। कुमराट वैली आबशार है, दो चंगा है, काला चश्मा है, खूबसूरत जगह बहुत है। ठीक हो गया। हाँ, फिर वापसी में हम मशहूर ले लेगा, अगर बड़गोई टॉप का रास्ता
स्वाद जाने कलाम का, फिर ठीक है, अगर नहीं गया फिर हम वापस हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम जा रहे हैं जी जहाज बांडा और रास्ते पे ये है, हाइकिंग है तकरीबन 2 से 3 घंटे की। कुछ पार्टी मेरी तो आ रही है पैदल और हम जा रहे हैं घोड़े पे। तो अभी सफ़र शुरू हुआ है, 10-15 मिनट ही हुई हैं, 2 से 3 घंटे की ये हाइकिंग है। उसके बाद हम जहाज़ बांडा पहुँचेंगे, फिर जहाज़ बांडा के बाद इंशाल्लाह कुंड बांडा और कटोरा लेक की तरफ सफ़र होगा, फिर इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी जी। अमर भाई आप पैदल क्यों आ रहे हैं? पैदल आने क्यों? आपकी टांगों में बहुत जोर है। ठीक है, हम पैदल पहुंचेंगे। वकार भाई किधर गए? वकार भाई आप बहुत पीछे रह गए यार। जैसे आपकी मर्जी है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की सफर के बाद जी हमें अब नजर आ रहा है जहाज बांडा के रेस्ट हाउसेस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जहाज बांडा के जो बिल्कुल हम नजदीक अब पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं जहाज बांडा में और ये मेरे बैग पे आप देख सकते हैं जहाज बांडा का व्यू सारा। जहाज बांडा का ये ग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी हैं। वो हमारे पीछे जो पहाड़ी सिलसिला है, उस पहाड़ों के पीछे ही एक कटोरा झील है जहाँ पे इंशाल्लाह हम कल सुबह जाएंगे और
ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की व्यू, मैं आपको बैक कैमरे से भी व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए पहुंचने के बाद सबसे भी जो अहम सवाल जेन में आता है वो ये आता है कि स्टे कहाँ करना है। तो इसमें यह है कि जैसे आप एंटर होंगे तो लेफ्ट और राइट साइड पे बहुत से आपको कैंप वगैरह बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपने उनमें स्टे नहीं करना क्योंकि उनका रेट थोड़ा हाई है। तो आप थोड़ा अगर आगे आए पहाड़ वाली साइड पे जहाँ पे कुंड बांडा और वाटरफॉल है, तो वहाँ पे बेस्ट है कि आप नजदीक कोई भी होटल ले लें। हमने लेफ्ट साइड पे एक 3-स्टार नाम का होटल है वो सिलेक्ट किया है। उस होटल का यह है कि वहाँ पर खाना भी अच्छा सुना है और जो उसका रेंट है वो भी काफ़ी मुनासिब आपको मिल जाएगा। आगे आगे आगे